सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज हिंदी चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और WWE की अपडेट्स पाएं सबसे पहले। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज की अपडेट है WWE लीजेंड गोल्डबर्ग को लेकर। रेसलिंग जोन ने WWE लीजेंड गोल्डबर्ग की वापसी को लेकर बात सामने रखी है। गोल्डबर्ग को लेकर WWE 24 का एपिसोड इस साल नवंबर में WWE नेटवर्क पर प्रसारित होगा और फिर से गोल्डबर्ग की वापसी नवंबर में तय मानी जा रही है। दोस्तों इससे पहले भी गोल्डबर्ग ने काफी समय WWE से ब्रेक लेने के बाद अक्टूबर 2016 में वापसी की थी और द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया था और फिर इनका मुकाबला सर्वाइवर सीरीज 2016 में हुआ था जहां गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को मात्र 2 मिनट में हरा दिया था। इसके बाद दोनों रॉयल रंबल में आमने सामने हुए थे जहाँ गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दिया। फिर इनका आमना सामना रेसलमेनिया 33 में हुआ जहाँ गोल्डबर्ग को ब्रॉक लेसनर के हाथों मात खानी पड़ी थी और फिर गोल्डबर्ग ने रिंग में आकर WWE को गुड बाय कह दिया था। हाल ही में WWE ने WWE 24 का टीजर जारी किया जिसमें गोल्डबर्ग ने अपने करियर के बारे में बात कर रहे हैं। WWE 24 एक एपिसोड है जिसमें WWE सुपरस्टार्स की शानदार स्टोरी सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो बेशक गोल्डबर्ग की स्टोरी भी शानदार ही होगी। तो दोस्तों गोल्डबर्ग की वापसी को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो एक बार फिर अंडरटेकर जैसे रोल में नजर आए, लेकिन गोल्डबर्ग ने रेसलिंग में वो सब हासिल किया जिसके वो हकदार हैं। ब्रॉक लेसनर के साथ उनकी फाइट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, तो अब देखना होगा कि गोल्डबर्ग वापसी कब तक करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।